हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? ग्रामर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ रहे हैं ना। तो नाउन कितने प्रकार का होता है बच्चों? कौन कौन? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। देखो मैंने डिफिनेशन फर्स्ट जो है डिफिनेशन लिख रखी है बेटा कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन की डिफिनेशन क्या होती है? द नेम ऑफ अ जनरल प्लेस, पर्सन और थिंग्स इज नोन एज कॉमन नाउन। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या लिखी है? कॉमन नाउन डज नॉट डिफाइन द एग्जैक्ट पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन जो ठीक ठीक नहीं बताता है कि आखिर में वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान है क्या। यहाँ पर मैंने कॉमन नाउन के बहुत सारे बेटा एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे मैन हो गया, वुमेन हो गया, बॉय, गर्ल, चिल्ड्रेन, चाइल्ड, फ्रूट, यानी कि जितने फलों फल हैं वह सब क्या हैं? कॉमन नाउन है। वेजिटेबल कॉमन नाउन है। रिवर कॉमन नाउन है। माउंटेन कॉमन नाउन। किंग, क्वीन, न्यूज़पेपर, बुक, एनिमल, कंट्री, प्लेनेट, सैटेलाइट, सिटी, पेशेंट, डॉक्टर, टीचर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, फर्नीचर, रिलीजन एट्सेट्रा, ये सब क्या है बेटा? कॉमन नाउन है। क्योंकि यह नहीं बताते हैं कि आखिर वह व्यक्ति है क्या या वह स्थान है क्या। ठीक है। नाउन का सेकेंड पार्ट है बेटा क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डिफिनीशन क्या होती है? द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज नोन एज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है बेटा यह बताता है कि आखिर में वो व्यक्ति, स्थान या वस्तु है क्या। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर, मोहन, रानी, गोलू, गोल्डी, मुंबई। मुंबई क्या स्थान का नाम है ना, यह प्रॉपर नाम। नाउन मैंगो फ्रूट है ना। फ्रूट बेटा कॉमन नाउन है, लेकिन मैंगो प्रॉपर नाउन है। पपाया, पपीता, यह क्या है? प्रॉपर नाउन है। मणिपुर स्टेट का नाम अगर है बेटा, स्टेट दिया है, स्टेट दिया है, स्टेट क्या है? तो स्टेट कॉमन है, लेकिन मणिपुर दे दिया तो यह प्रॉपर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कॉमन हो जाएगा, लेकिन गाजीपुर लिखा है, यह क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार आपका नीचे देखिए बेटा, गंगा है, ताप्ती है, ये नदियों के नाम हैं, तो ये अभी कॉमन नाउन नहीं होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। कॉमन नाउन में रिवर होगा, लेकिन जब नाम दे देगा तो वह क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। न्यूज़पेपर मैंने बताया था क्या कैसा है? कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर अमर उजाला और द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर्स के नाम है, तो ये जब नाम दे देगा तो वह प्रॉपर हो जाएगा, कॉमन नहीं रहेगा। मैंने कहा था किंग और क्वीन, यह कॉमन नाउन थे ना, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है अकबर और दुर्गावती, ये दोनों क्या हैं? प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि यह नाम दे रखा है। मैंने कहा था देखो, उसमें नहीं लिखा था स्टार, स्टार मतलब तारा, ये जितने स्टार्स अगर कह दें हम तो यह क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन कह देगा सन तो यह कैसा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अर्थ यह क्या कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैं कहूँ प्लेनेट तो यह कैसा नाउन होगा? कॉमन नाउन। मैं कह रहा हूँ मून, कैसा नाउन है? प्रॉपर। लेकिन मैं कह दूं क्या सैटेलाइट तो यह क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने वहां लिखा था रिलीजन, रिलीजन मतलब धर्म, धर्म तो कई धर्म है तो वह कॉमन नाउन होगा। लेकिन यहां मैंने लिख दिया हिंदू तो यह हो जाएगा प्रॉपर नाउन। मैंने वहां लिखा था बेटा फर्नीचर, लेकिन यहां पर लिखा है टेबल, तो देखो बेटा तो फर्नीचर क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन टेबल प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार मैंने वहां पे लिखा था वेजिटेबल मतलब सब्जी, सब्जी क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन ओनियन मैंने दे रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मैंने वहां बताया था कि बुक, बुक जितनी भी है वो क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? फिजिक्स, तो यह क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ट्रेन जो है, मैं कहूँ ट्रेन, तो ट्रेन तो बहुत सारी है ना, तो ये ट्रेन कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने लिख दिया जनसाधारण एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, दादर एक्सप्रेस, या जब नाम लेके बुलाएंगे तो कैसा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझ में आया? ओके बच्चों, थैंक यू।